लिए 3 लाख नगद। स्पिनरों ने दिलाई चेन्नई सुपर किंग को जीत। चुनाव सर पर होकर मुख्यमंत्री पर नागपुर से आश्चर्यजनक बात सामने आई है। अब खबरें विस्तार से। कार में मिला नकदी कैश। कल्याण लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहनों की चेकिंग हो रही है। कल्याण पश्चिम पूर्णिमा पुलिस चौकी के हद में आचार संहिता पथक द्वारा एक गाड़ी से 3 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। रकम के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। माधवपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर रकम जब्त कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण पश्चिम मुरबड़ रोड पर पूर्णिमा पुलिस चौकी में वाहनों की तलाशी के दौरान आचार संहिता पथक प्रमुख संजय पोखरकर ने एक हुंडई गाड़ी से 3 लाख नगद बरामद की गई। स्पिनरों ने दिलाई चेन्नई सुपर किंग को जीत। चेन्नई हरभजन सिंह की अनुगाई में चेन्नई सुपर किंग स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को आईपीएल के मैच की टीम को किंग्स 11 पंजाब पर 22 रन से जीत दिलाई है। चेन्नई के 3 विकेट पर 160 रन के जवाब में पंजाब की टीम के केएल राहुल 55 और सरफराज खान 67 के अर्धशतक के बावजूद 5 विकेट पर 138 रन में बना सकी। पंजाब को आखिरकार आखिरी ओवर में 26 रन बनाने के लेकिन कीवी गेंदबाज स्टॉक ने सिर्फ सरफराज को आउट किया बल्कि 3 रन दिए। चुनाव सर पर होकर मुख्यमंत्री पर नागपुर से आश्चर्यजनक बात सामने आई है। आगामी लोकसभा चुनाव एकदम सामने होकर डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके नागपुर से एक आश्चर्यजनक बात सामने आई है। जहां नागपुर जिले में साधारण 200 मतदान केंद्र पर बिजली नहीं होने की आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई है। इस बाबत मिलने वाली जानकारी यह है कि नागपुर में 11 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं, पर बिजली बिल न भरने के कारण मतदान बूथ स्कूल में होकर स्कूल की बिजली रोकी गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री के शहर में ही ऐसी अवस्था है तो बाकी जगहों पर क्या परिस्थिति होंगी, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पर बड़ी टीका भी निर्माण की जा रही है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।